नौकरी और फिर बहू सब कुछ सब, हाँ सब आप सब में राजी रहेंगे? हाँ सब में राजी, कोई दिक्कत नहीं। बाद में सवाल जवाब नहीं ना? नहीं कोई सवाल नहीं। हाँ इच्छा है कि पढ़ के बाबू बनिया बन बाबू साहब बने, मतलब हाँ अफसर बने। हाँ अफसर बने, नौकरी लगे। उसका रिजल्ट बताएगा, हम कुछ नहीं बता सकते। देखिए इसको रिजल्ट के बाद हम सोचेंगे कि मैट्रिक के बाद ऊपर होता है तभी ना। मेरा सपना है एक इंजीनियर बनेगा, एक दरोगा बनेगा। बैंक SSC का तैयारी करना, मतलब SSC और बैंकिंग की तैयारी। तो अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करानी है। हाँ तो उसके लिए पूरी तैयारी है ना? हाँ खूब तैयारी है। पढ़ता लिखता था लेकिन अभी बेचा मेरा कैंसर पेशेंट है तो पढ़ाई कम कर पा रहा था। क्या हो गया? उसको बोन कैंसर हो गया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। मैट्रिक परीक्षा का आज पहला दिन है, मैथ्स की परीक्षा हो रही है। बच्चों की एंट्री जो है एग्जाम सेंटर के भीतर हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी जो तमाम गार्जियंस हैं वो इस ग्राउंड में बैठे हुए हैं। हम मिलर स्कूल आए हुए थे, वहाँ पर आसपास के इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए तमाम तरह की कोशिश हो रही है और इस ग्राउंड में गार्जियंस को बिठाया गया है ताकि ये यहाँ पर रहें, अगर जिन्हें इंतज़ार करना है यहीं पर बैठ के इंतज़ार करें। तो आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, इधर उधर ग्राउंड में बैठे हुए। हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या सपने लेकर ये आए हैं, मैट्रिक की परीक्षा दिलाने आए हैं बच्चों को, तो क्या कुछ सपने देखते हैं उनके लिए। चलिए आप अपना नाम बताइए। अपना नाम है? हाँ बताइए। लक्ष्या देवी। कहाँ से आई हैं आप? हम आए हैं, नाती है सबलपुर के, हम भट्टीपुर से आए। भट्टीपुर से आई हैं तो आप मतलब आप नाती को लेकर आई हैं परीक्षा दिलवाने? हाँ परीक्षा दिलाने। आप ही पढ़ाती लिखाती हैं उनको? हम हूँ पढ़ाई, पापा मम्मी पढ़ाई, बाकी हमारा से ज्यादा लगाव रहता है जे। अच्छा। चलते हैं हमारा। तो मतलब मम्मी पापा नहीं आए काम की वजह से? हाँ काम की फुर्सत में। हाँ फुर्सत में हम बैठे। तो कैसा नाती, कितना पढ़ता था आपका? पढ़े ना तो ठीक है बाबू, ऊपर वाला जानते हैं, पढ़े ना तो ठीक हलवा। कोचिंग प्राइवेट से पढ़ते हला, आ कोचिंग दूगो धरे लिपे। क्या लगता है कि बढ़िया करेगा मैट्रिक परीक्षा? हाँ हाँ लगता तो है, बाकी अब ऊपर वाला के लिख लाए। आपका नाती क्या बोलता है, क्या बनेंगे पढ़ लिख के? पढ़ लिख के अब देखो, अब भगवान जो करते हैं। अभी कुछ नहीं बोला है? ना ऐसे तो आप क्या आप नहीं पढ़ हम। अच्छा, अच्छा अच्छा, आगे नहीं पढ़ेंगे। आपका मन क्या करता है, क्या बने? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, क्या बने? अभी अब हम कैसे कहीं। आप पढ़ाती हैं, आपको इच्छा तो होता होगा? हाँ इच्छा है कि पढ़ के बाबू बनिया बन बाबू साहब बने, मतलब हाँ हाँ अफसर बने। हाँ अफसर बने, नौकरी लगे, कोई चीज नहीं, यही ना। आप क्या बोलती हैं कि पढ़ो लिखो बढ़िया से? हाँ हाँ पढ़ो, ध्यान रखती हैं। हाँ हाँ पढ़ो। तो जितना दिन परीक्षा होगा सब दिन आएंगी आप परीक्षा दिलाने? हाँ हाँ। और यहीं बैठी रहेंगी? हाँ देश मतलब चलेगा जब ले आएंगे, जब नहीं देश चलेगा तो ओकर बात है, दूसरे रोग आया। मतलब जितना देर परीक्षा चलेगा आप यहाँ बैठी रहेंगी? हाँ बैठे। आप अपना नाम बताइए। पार्वती देवी नाम है। कहाँ से आई? फतुहा से, आगे फुलबरिया। फुलबरिया से आई हुई है। आपका बेटा परीक्षा दे रहा है? हाँ। तो चलिए कितना पढ़ता था बेटा, मतलब पूरा मेहनत किया है या फिर ऊपर ऊपर वाला? ऐसे तो रात दिन तो रटी रहा है, अपना अपना भविष्य। आप अकेले आई हैं परीक्षा दिलवाने? हाँ हम अपना एगो बेटा के लेके अकेले आए हैं। ये सब हमारा गांव घर के ना तो सब दे दिया है, वालक कर दिया है, सब एंटी हो गया। अच्छा बहुत सारे बच्चे एक साथ आए? हाँ। और आप सबको लेकर आए? लेके आए हाँ, पूरा जिम्मेदारी के साथ। हाँ अब दो गो हैं, दो गो एज पे हैं, बाकी सब एंटी करके सबके झोला बैग लेके बैठल हैं। चलिए क्या लगता है कैसा जाएगा परीक्षा उसका? अब हम तो कैसे कह सकते हैं, मतलब पढ़ता होगा तो? पढ़ता होगा तो, पढ़ रहा है तो जरूर पास होगा। आप भगवान से क्या मांगी? हम भगवान पूरा की होंगी निकलने से पहले का ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको बच्चा के अच्छा से लम्बर आ जाए। आपका मन क्या करता है कि बेटा पढ़ लिख के क्या बने? अब बेटा की मर्जी। बेटा का मर्जी और फिर शादी भी अपनी मर्जी से करेगा? हाँ आज के डेट में अब बेटा अपना मर्जी से शादी करेगा, मतलब नौकरी और फिर बहू सब कुछ सब उसी की मर्जी। हाँ सब, आप सब में राजी रहेंगे? हाँ सब में राजी, कोई दिक्कत नहीं। बाद में सवाल जवाब नहीं ना? नहीं कोई सवाल नहीं। चलिए और पूरा तैयार हैं आप पढ़ाने लिखाने के? हाँ हम बहुत तैयार हैं। आप कोई काम करती हैं या फिर हाउसवाइफ? ना काम कोई ना करते हैं, हमको मालिक मिस्त्री के काम करते हैं। आपके पति? हाँ पति काम करते हैं, राज मिस्त्री के काम करते हैं, चार गो बच्चा के पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेटा है? ना ये सबसे छोटा है। इसके पहले सारे बच्चे आपके पढ़ लिया? दो गो बड़का लड़का इंटर के दिया है, छोटा बच्ची भी इंटर के दिया है।
दो हाँ, एगो सबसे छोटा लेकर मैट्रिक वाला दिया अभी अभी दे रहा है हाँ। चलिए तो अब आगे कॉलेज की पढ़ाई करानी है हाँ हाँ, तो उसके लिए पूरी तैयारी है ना? हाँ खूब तैयारी है, पीछे नहीं हटेंगे। जब मालिक पढ़ाने के लिए गछबे करता है तो हम लोग के का पीछे रखें। चलिए चलिए, मतलब पूरा मेहनत करेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। हाँ पढ़ाएंगे। कैसी तैयारी रही? तैयारी तो उसकी है, हम तो सिर्फ उसका मार्गदर्शन है। मतलब देखते होंगे ना कि कितना पढ़ता लिखता है तो पढ़ता मेहनत, तो उसका रिजल्ट बताएगा, हम कुछ नहीं बता सकते हैं। चलिए चलिए, उसको लेके क्या सपना देखे हैं? बेटा का सपना वो खुद सोचेगा, हम तो सिर्फ उसको आगे जहाँ तक पहुँचा है ना। फिर भी आपका दिल नहीं कहता कि मेरा बेटा ये बने वो बने? दिल कहने से कुछ नहीं, उसका कर्म सबसे प्रधान होता है। हम बच्चा का एग्जाम दिलाने आए हैं। कहाँ से आए? ग्राम परिषद में दरियावा प्रखंड से आए हैं। और आपका नाम? संजय सिंह हुआ। चलिए, आप क्या करते हैं संजय? हम खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं, क्या होता है आपके यहाँ ज़्यादा? उपज में होता है धान मसूर और कुछ क्राउरा का खेती होता है। दलहन की भी? हाँ दलहन का खेती भी होता है। क्या लग रहा है बच्चे का, परीक्षा कैसा जा रहा है, तैयारी कैसा कर रहा था वो? देखिए हमको बच्चा तो तीन था, लेकिन कहे का मतलब बड़ा बच्चा तो खैर अभी पढ़ाई में ठीक ही चल रहा है। एगो बच्ची था, बच्ची का देखिए अभी एन एम वाला निकला है, यही बच्चा पढ़ ही रहा है। अब तो निकलने के बाद इसको सारे आपके बच्चे ब्राइट हैं। हाँ तीन में तो अभी ठीक है, लेकिन इसका कौन निकर्स निकलता है तो आप एग्ज़ाम के बाद है ना हम कहेंगे। दो का रिजल्ट तो सही गया सब कुछ, दो बच्चे तो आपके बिल्कुल ऑन ट्रैक है। आपको इसको लेकर क्या लगता है, क्या बनेगा, क्या करने का सोच रहा है? सोच रहा है अब देखिए इसको रिजल्ट के बाद हम सोचेंगे कि मैट्रिक के बाद ऊपर होता है तभी ना। गार्जियन का तो काम होता है कि मेहनत करना, बच्चे को आगे बढ़ाना, बच्चे देश के भविष्य हैं, जितनी आगे करेंगे उतनी तरक्की गार्जियन को होगा, खुशी होगा, यही तो। आप क्या करते हैं? हम कंडक्शन कंपनी से जुड़े हैं, एसपी शिमला कंडक्शन कंपनी है। आप बताइए कि दो दो बेटे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके भविष्य के बारे में क्या सोचा है, क्या बनाने का आपका सपना क्या है? मेरा सपना है एक इंजीनियर बनेगा, एक दरोगा बनेगा। तो एक इंजीनियर एक दरोगा क्यों, उनकी क्षमता को देखकर आपने ये तय किया? नहीं, वो दोनों का अपना लक्ष्य है। हाँ वो अपना लक्ष्य है कि एक हम दरोगा की तैयारी में जुटेंगे, एक इंजीनियर की तैयारी में। बच्चे की मतलब ये इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं। एक चाहता है कि वो पुलिस में जाए और दूसरा चाहता है कि वो जी जी आप साथ देंगे पूरा आगे। जी 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 जी। आपका बेटा एग्जाम दे रहा? जी मेरा लड़का एग्जाम दे रहा है। चलिए, आप कैसी तैयारी रही उसकी? बहुत अच्छा, फतवा कोचिंग किया एक्सीलेंट में। अच्छा, सब दिन पढ़ाई शुरू से ही कर रहा है, कोचिंग कर रहा है। और मतलब कि शुरू से ब्राइट रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा है। क्या लगता है कि आगे करियर में क्या करना चाहिए उसको? इसका स्कोप है बैंक एसएससी का तैयारी करना, मतलब एसएससी और बैंकिंग की तैयारी। हाँ, हाँ। मतलब बेटा ऐसा कह रहा है या आप ऐसा कह रहे? नहीं, मेरा लड़का का सोच है, वो सोच रहा है। जी। और आप कुछ सपना देखे उसके लिए? बहुत बढ़िया। आप कुछ सपना देखे? हाँ हाँ, कि मेरा तैयारी बच्चा करे। अच्छा। हाँ। जो वो चाहता है वो? हाँ हाँ। आप ऐसे काम क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस भी है प्लस अपना व्यवसाय, हम लोग कृषि पेशा है। अच्छा, किसान है आप? किस चीज की खेती आपके यहाँ ज्यादा? हर चीज का, हर चीज। हाँ, जो उपजाए सब चीज। हाँ हाँ हाँ। आपका नाम बताइए? कुमारी अमृता सिंह। कहाँ से? हम ये 0 माइल के पास गंगा, बड़ी पहाड़ी गंगा प्रदूषण। अच्छा, वहाँ से आई हुई है? कैसे गति? और बेटा पर का गांव है सलालपुर, निमी सलालपुर, पटनी डिस्ट्रिक्ट में, दनियामा प्रखंड। कैसा तैयारी रहा बेटे का, कितना पढ़ता लिखता था घर पे? पढ़ता लिखता था, लेकिन अभी बेटा मेरा कैंसर पेशेंट है तो पढ़ाई कम कर पा रहा था। क्या हो गया उसको? बोन कैंसर हो गया था। आपके बेटे को अभी जो परीक्षा देने भी? हाँ। चलिए, तो फिर कैसा रहा, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज हुआ? मैनेज, 1 साल मुंबई में ट्रीटमेंट करवाए हैं, 2 साल पहले आए हैं ट्रीटमेंट करवा के। बेटे का नाम क्या है? आदित्य राज। आदित्य राज। और आप अकेले आई हुई हैं? हाँ, हाँ अकेले आई हूँ। और मतलब किसी तरह की दिक्कत तो नहीं होती है, समय समय पर दवाई देना या फिर ऐसा? नहीं, दवाई ववाई नहीं चलता। अब सब कुछ ठीक? सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाया। देखिए, आप मदद नहीं की पढ़ाई में? नहीं, मदद बहुत पूरा मदद की। और मतलब ऐसे भी किया है? बच्चा भी मेहनत? बच्चा भी नहीं। बाहर मतलब क्लासेस करने जाता था या फिर सब कुछ घर में हुआ? घर में हुआ, अभी क्लासेस के लिए नहीं भेजते हैं कहीं पे, नहीं, घर में ट्यूशन दिए हुए। घर में ट्यूशन दिए हुए? और ऑनलाइन की मदद से पढ़ता है कुछ, देख के यूट्यूब वगैरह? हाँ, वो सब पढ़ता है। मतलब बेटा क्या कहता है, आगे क्या बनना चाहता है? उसका सोच तो बहुत बड़ा है, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या सोच उसका भी। ये क्या बोलता है, फोटोशॉप, एडिटिंग, ये सब उसका है, पेंटिंग है, हॉबी है।
अच्छा, मतलब कि आर्ट्स की तरफ ज्यादा झुकाव? हाँ, डिजिटल आर्ट की तरफ। आप ये सारी चीजें समझती हैं? हाँ, समझते हैं, बोलते हैं बेटा इंटर कर लो, उसके बाद आपको लगता है कि आगे करियर अच्छा होगा? हाँ, अच्छा होगा उसका। हाँ, सपोर्ट। आप कोई काम करती हैं? नहीं, हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ, आपके हस्बैंड क्या? टीचर। टीचर है, तो आप दोनों मिलके अपने बेटे को सपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ। और ये आपका इकलौता बेटा है या फिर? हाँ, नहीं, इकलौता बेटी उटी कुछ नहीं, बस। तो काफी मुश्किल रहा होगा आप लोगों के लिए समय बहुत, की इतनी बड़ी बीमारी हो गई। बहुत मुश्किल रहा। तो फिर कैसे कैसे सब कुछ आप लोगों ने सब एक साथ मिलकर? हाँ, बस, हाँ, फैमिली का सपोर्ट मिला और हस्बैंड वाइफ मिलकर सपोर्ट करके बच्चे को आगे बढ़ाए। और बेटे का मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दर्शक भी जाए, इतनी बड़ी बीमारी हो गई इतनी छोटी उम्र में, और इन सब चीज़ों से कैसे लड़ा वो? उसका बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा उसका ये विल पावर स्ट्रांग था। बोला मम्मी मेरा पैर कट जाएगा तो क्या हुआ, हम ठीक हो जाएंगे, इसीलिए इसमें खुशी नहीं है आपको? हम बोले बहुत खुशी है बेटा, हम तो टूट चुके थे, लेकिन बोले नहीं बेटा तुम विल पावर है तो तुम अपना खुद को हम संभाल सकते हैं। आठ की मोह लगा बेचारा, बहुत टूट चुका था, फिर भी अपने आप को बहुत, आप लोगों को दिखाता था। हाँ, कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हो भी गया, अभी नॉर्मल। बोलते हैं ना कि अंदर से सब कुछ अच्छा, हाँ, हो, तो अच्छा ऊपर से भी सब अच्छा हो ही जाता है। अच्छा हो ही जाता है। तो कोई मलाल तो नहीं रहा होगा कि अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई? कुछ तो अफसोस है उसको, कुछ तो है। अभी एक महीना पहले भी वो बीमार था, किडनी स्टोन से एक महीना से परेशान था, तो ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ा, लेकिन वो दवाई एलोपैथी कर, समय डिस्टर्ब हो गया, फिर भी वो मेहनत किया है, अपना जानते मेहनत किया है, लेकिन अब बच्चा जो करे जितना पढ़े। आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगी, कितनी मुश्किल भरी बातें आप इतने हंस हंस कर बता रही हैं। क्या करें, लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है तो मुश्किल को तो पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। और आप ही शायद ऐसी हैं कि आपका बेटा इतना स्ट्रांग है। हाँ, ये समझ लीजिए, जैसा आप समझ लीजिए बेटा। परिवार वालों का सपोर्ट रहता है? हाँ, रहता है। तो मैट्रिक परीक्षा का पहला दिन, अलग अलग लोग, अलग अलग जगह और अलग अलग कहानियाँ, और सभी कहानी काफ़ी प्रेरित करने वाली। कोई मजदूरी दिहाड़ी करने का काम करते हैं, तो किसी के बच्चे को बोन कैंसर हो गया, कोई बहुत दूर से आया हुआ है केवल अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने, तो कोई अपने नाती को परीक्षा दिलाने आया है। और बिहार में इस तरह की कहानियाँ काफ़ी मिलती है। आपने देखा कि बिहार के जो गार्जियन हैं वो कितने ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सेंसिटिव हैं, यहाँ पर कड़ी धूप में बैठे हुए हैं ताकि उनका बच्चा परीक्षा देकर निकले और वे साथ लेकर उसको जाएं और उनके लिए जो उन्होंने सपने संजोए हैं वो हकीकत में बदल सके। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।